कुछ तो बोलिए साहब। करीम जी साहब, इसको ले जाओ। ठीक है साहब। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ही पासपोर्ट दो। तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दोगे। मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए, तुम्हारे बच्चों की सेवा की, कई मुश्किलें उठाकर जो कोई औरत नहीं करती वो तुम्हारे लिए काम करने पड़े मुझे। निकाल रहे हो अब? गल्फ छोड़कर नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी। यही कहीं काम कर लूंगी, यही काम देख लूंगी। गल्फ छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्या हुआ यार, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं यार, बहन का निकाह पास आ रहा है। अम्मी से क्या कहूँ समझ नहीं पा रहा हूँ, बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन क्यों ले रहा है? इब्राहिम साहब ने कहा था ना पैसे देंगे। तू वापस पूछ, वो कैसे नहीं देगा, हम भी देखते हैं। वो दे देगा ना भाई। जाकर पूछ, हम सब है ना तेरे साथ, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। इब्राहिम साहब साइड पर ही है, जाके पूछ। ठीक है भाई, ठीक है। क्या, कब तक होगा ये? बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। नो, इट इज नॉट वर्किंग। ही इज टेलिंग सो मेनी क्राइसिस। वालेकुम अस्सलाम। सो मेनी क्राइसिस ही इज टेलिंग। साहब क्या है? कुछ नहीं साहब, वो मेरी बहन का निकाह होने वाला है। अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। गो टू वर्क। तो साहब मैं ये कह रहा हूं, नो यू आर जस्ट लाइंग टू मी। साहब वो मेरी सैलरी मिल जाती तो अच्छा होता। जाओ यहां से, गुड, गो। आप बोलिए ना साहब। नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में। साहब मुझे जल्दी क्या कर दी, छोड़ मेरे को अभी। अगर फिर दोबारा तो इसको यहां से लेके जाओ। समझ गए, चल जा। पूरी जिंदगी जेल में बीत जाएगी। यू आर वेस्टिंग माय मनी। आई ट्रस्टेड यू, यू आर वेस्टिंग माय मनी। गिव मी माय मनी। हेलो, उसको लेके जाओ। तो साहब मैं ये कह रहा था, गिव मी बैक माय मनी। आई वांट माय मनी बैक। आई ट्रस्टेड ऑन ऑल ऑफ यू। ये क्या, अब्दुल बहन से झगड़ा कर बैठे हो? चलो बैठो। कामयाब होकर लौटो। आप चिंता मत कीजिए अम्मी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। खुदा हाफिज़ अबू, चलता हूँ, बाय। अम्मी का ख्याल रखना बहन। खुदा हाफिज़ अम्मी। इब्राहिम ने पैसे देने से मना कर दिया चाचा, मुझे कॉल भी किया था, लेकिन मेरे आने से पहले ही ये। तो क्या प्रॉब्लम आएगी, तो मर जाएंगे हम। मेरे बाप ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था, फसल खराब हो गई तो जहर पी के अपनी जान दे दी। जान देने से क्या होता है यार। चंडी भाई उठाओ उसे। यार अब्दुल उठ जाना मेरे यार, तूने ये नहीं सोचा तेरे जाने के बाद तेरे परिवार का क्या होगा। यार अब्दुल उठ जाना यार।
चाचा अम्मी जान अम्मी जान। शिवा कैसे हो बेटा? ठीक हूँ अम्मी जान, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अब्दुल कहाँ है बेटा? अब्दुल काम पर गया अम्मी। ठीक है बेटा, उससे कुछ कहना है अम्मी? उससे कुछ पैसों की बात करनी थी। वो जहाँ पर गया है वहाँ पर सिग्नल नहीं होता। पैसा कितना चाहिए? वो क्या है कि खर्चा 2,00,000 रुपए का है, हमारे पास सिर्फ 10,000 है। पैसों के बारे में आप चिंता मत कीजिए अम्मी। और कुछ कहना था? शादी की तैयारियाँ चल रही हैं बेटा, वो आए तो बात करा देना। जरूर करवा दूंगा अम्मी, शादी के लिए जितना भी पैसा चाहिए वो आप तक पहुँचा देगा। पैसा एक हफ्ते में आप तक पहुँच जाएगा अम्मी। ठीक है बेटा। वहाँ का माहौल कैसा है? यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है मामा जी, अब तो दीदी भी चली गई। हेलो, माँ से बात कराई। भाई साहब, मोबाइल मोबाइल ममनू है ना? जेब मोबाइल, माँ का फोन ले। जेब मोबाइल غير مسؤول كيف انت تكلم كلم الموبايل كلم الموبايل هذا قانون موبايل ايوه بات کر رہی تھی موبائل پہ کس سے بات کر رہی تھی اور کس سے بات کر رہی تھی یو حافظ کس سے بات کر رہی تھی بول کس سے بات کر رہی تھی کس سے بات کر رہی تھی موبائل پہ بولو کس سے بات کر رہی تھی किससे बात कर रही थी? الحين شوف يلا يلا بابا معافني بابا علم كنت من قاتلنا الآن فهمت अब आई हाथ में साली, भागने की कोशिश करती है साली, अब दिखाता हूँ तुझे। भाग, भागने का बड़ा शौक है ना तुझे? भाग, भाग। सब्र, ये खौफ में नल्ला? खामोश, माफी कर लो। उस्मान, वादा हाफे हम्माम। यल्ला, तायल, यल्ला। खाले। यार शिवा, एक खुशखबरी है। ए, कल रात रियाद में इब्राहिम एक बहुत बड़ी डील करने के लिए जा रहा है, सब चले जाएंगे, तुम्हारे लिए यही सही वक्त है। हाँ, आप इंडिया कब जा रहे हो सलीम भाई? रविवार को। ए, लेकिन यार यही हमारा आखिरी मौका है, हम अंदर कैसे जाएंगे? मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। लक्ष्मी कैसी है भाई? लक्ष्मी से बात करके मुझे 3 दिन हो गए हैं भाई, फोन करो तो स्विच ऑफ। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता भाई, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। साहब दरवाजा खोलिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। बहुत भूख लगी है साहब, बहुत भूख लगी है, दरवाजा खोलिए ना साहब, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैम साहब, दरवाजा खोलिए मैम साहब। यस यस, एवरीथिंग इज रेडी, या आई ब्रिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स। यस ओके। Thank you.
यस ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी यस वेयर सारा 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 क्या हुआ यहां अकेले बैठकर रो क्यों रही हो तुम कुछ नहीं जी शिवा की याद आ रही है वो वहां किस हाल में होगा छोड़ो उसके बारे में अच्छे से ही होगा तुम सोचा हाँ ठीक है मैं बाद में कॉल करती हूँ अपना ध्यान रखना मेरी बेटी तुम्हें क्या हुआ परेशान हो मामा जी को फोन कर रही हूँ लेकिन उठा ही नहीं रहे माँ से 4 महीनों से बात नहीं की पता नहीं कैसी होंगी वो तो इस पर टेंशन लेने वाली क्या बात है मेरी हाँ इस हॉस्पिटल का पता ले लो सेंट मैरी हॉस्पिटल माँ का नाम रनम्मा एक मिनट महन दुनिया में ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं जिसमें साउथ इंडियन नर्स ना हो मैरी अभी सब कुछ पता कर लेगी चिंता मत करो आज या कल इंडिया चली जाओगी वहां जाकर खुश रहना बहन इसकी माँ को तो मरे हुए 4 महीने हो चुके हैं तुम्हारे माँ के नाम पर तुम्हारे नकली मामा ने पैसा ले लिया लगता है उसी का है हेलो लक्ष्मी माँ अभी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी डॉक्टर बोल रहे थे कीमोथेरेपी एक बार और करनी पड़ेगी तुम जल्दी पैसा अरेंज कर दो तो सॉरी जी मेरी माँ और मेरे मामा को मरे हुए 4 महीने हो गए हैं लक्ष्मी रॉन्ग नंबर लक्ष्मी इस देश से हमें बाहर जाना होगा बॉर्डर पार करना होगा इसके लिए चंद्र बात कर रहा है एक बार हम बॉर्डर पार कर गए तो तुम अपने घर रह सकती हो मैं कहीं भी रहूं एक ही बात है शिवा मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूं वहां मेरा कोई नहीं है तुम मेरे साथ मेरे गांव चलो अपने दिल में बसा के रखूंगा तुम्हें हमेशा